इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियां निकालूं और ये भावना कहां से पैदा हुई जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहां पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर फला नाम है यहां पर वो है यहां पर फला है तो मेरी जो भावना थी वो ये थी जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज़ नहाने वाले को बता रहे मैं नहीं जानता था इस्लाम को जुमा में एक दिन नहाने क्योंकि मेरे घर में यही बताया गया मुझे बचपन से यही सिखाया गया तो मैं ये सोचता था जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज़ नहाने वाले को बता रहे अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है यह भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा यह भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया सबसे सब पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा तर्जुमा पूरा मुकम्मल अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को पढ़कर उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुर, इस्लाम को कबूल किया है किसी के दबाव में नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने दबाव नहीं दिया किसी ने पैसे नहीं दिए पैसे देता अगर कोई तो रेंट के घर पर नहीं रहता अच्छा बारक लफीक अभी तो आप इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी हासिल करें मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ आप भी क्या है आप ऑलरेडी जो है लोगों को भी इस्लाम के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो मेरा ये सवाल है क्या इस्लाम में जायज है लोगों को फोर्स करना और इस्लाम कबूल करवाना ऐसा कुछ इस्लाम में जायज है क्या कुरान की आयत है अल्लाह ताला ने कुरान में अध्याय नंबर दो के श्लोक नंबर दो सौ छप्पन में अल्लाह ने कहा लाकराफीन धर्म के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं है कत तबयन रुश मिनल गई मैंने अंधकार और प्रकाश को वाजह कर दिया अंधकार क्या है अंधकार ये है कि उस सच्चे पालनहार को छोड़कर किसी अन्य के सामने अपने मत्थे को टेकना जिसने अपनी मां की कोख में हमारी माँ की कोख में हम सबका निर्माण किया है उसको छोड़कर उसकी पूजा करना जो खुद माँ की कोख से आए हैं उसकी पूजा करना जो सूर्य सूर्य की पूजा जो खुद अस्त हो जाता है जो खुद निकलता है उसकी पूजा करना ये अंधकार है प्रकाश क्या है जिसने इस प्रकाश देने वाले सूर्य की पूजा की बनाया है उसकी पूजा की जाए ना कि सूरज की पूजा की जाए ना कि चांद की पूजा की जाए ये कुरान की बहुत सारी आयतें हैं कुरान में भी अध्याय नंबर 41 में भी पालनहार ने कहा है अल्लाह ताला कहता है सच्चे पालनहार कहते हैं ला, ला ला नगमस्तक मत होना न सूर्य के सामने न चंद्र के सामने बल्कि उस शक्ति के सामने उस पालनहार के सामने नगमस्तक होना ला लदिखल इयाह ताबुदून जिसने निर्माण किया है इन सारी चीज़ों का उसके सामने झुको सूर्य के सामने झुको न चंद्र के सामने झुको अच्छा। तो इस्लाम जो है ये सिखाता है एक ऐश्वर्वाद सिखाता है सच्चे पालनहार की भक्ति सिखाता है उसके आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना सिखाता है इंसान सुबह कैसे करे शाम कैसे करे पहले जानवर था अभी इंसान बन गया ऐसा लगता है मुझे पहले मुझे नहीं मालूम था कैसे जीना है क्या करना है सो सोकर उठू तो क्या करूं सोकर उठना भी भक्ति है इस्लाम में अगर कोई आदमी सोकर उठता है अलहमद लादी अहिया ना बदा महमत ना पड़ता है तो उसको सवाब सोने का अज्र मिल रहा है बाथरूम जा रहा है वहां पर भी भक्ति की प्रेरणा दी गई है बाथरूम की प्रार्थना करनी है निकल रहा है तो प्रार्थना कर रहा है सड़क पे कैसे चलना थूकना अल्लाह अकबर बड़ा एक हर अमल को जो है बताया गया थूके कैसे इंसान सामने ऐसे नहीं थूके क्यों किसी और को तकलीफ़ भी हो सकती है सामने थूके और उसको दबा दे या फिर उल्टी तरफ थूके राइट तरफ ना थूके थूकने की प्रेरणा देने वाला इस्लाम है वो इस्लाम अल्लाह अकबर वो इस्लाम कभी भी किसी का खून बहाने की शिक्षा नहीं देता।